हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम झटपट से बनने वाली पालक, प्याज भाजी और आलू की सब्जी बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम प्याज भाजी लिया है, 250 ग्राम पालक, आलू, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची। लहसुन को आप छोटे टुकड़े में काट लीजिए, टमाटर और हरी मिर्ची को भी काट लीजिए। टमाटर हरी मिर्ची में हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल दीजिए। कुकर में हमने तेल डाल के लहसुन को फ्राई किया है। लहसुन थोड़ा सुनहरा होने पर हम इसमें जो हमने टमाटर हरी मिर्ची में मसाले डाल के रखे थे वो डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कटे हुए दो आलू डाल देंगे और ये बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसमें हम पालक, प्याज भाजी डाल देंगे। इस सब्जी में हमें कटी हुई अलग से प्याज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने हरे प्याज की भाजी डाली हुई है। अच्छी तरह से ढक के पका लीजिए। मोटे तले वाला बर्तन लीजिए। हमने यहाँ पे कुकर लिया है, आप चाहे तो इसे कढ़ाई पे भी बना सकते हैं। ये अच्छी तरह गलने तक इसे पकाइए और जब ये सब्जी पक जाएगी तो इसे भूंज लीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, एक बार आप बनाएंगे और इसे बार बार आप बना के खाएंगे। इसी तरह इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।